Hello everybody, welcome back to your Maths Online classes. This is for 5th standard. Today is 18th of May 2021 and today is Tuesday. We are doing our chapter number 3, Operation with Large Numbers, okay? Hum exercise 3.1 kar rahe hain abhi bhi. Aapko pata hai isme bahut sare parts the aur main ek ek karke aapke parts karwa rahi hu taki aap pe burden na pade aur aap ईजिली समझ पाओ और काम भी अपना टाइम पे कंप्लीट करो. हमने कल डी पार्ट किया था और मैं डी पार्ट के लिए आप लोगों को स्पेशली मैंने कहा था कि आप लोग जो है डी पार्ट अपना खुद करोगे जैसे कि वीडियो में बताया. बट आप लोगों में से किसी का भी अभी तक नोटबुक नहीं आया. मैंने कल शाम तक का टाइम दिया था, किसी का भी नहीं आया. सो इससे मुझे पता चलता है आप लोगों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ना टीचर की बात सुनने में और ना काम कंप्लीट करने में. सो क्या ही कर सकते हैं अब. चलिए कोई नहीं, आप लोग आई होप आप लोग आज कंप्लीट कर लें डी पार्ट. तो हम ई पार्ट शुरू करते हैं. राइट इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट. ठीक है, क्या करना है, कॉलम्स में लिखना है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, कॉलम्स में लिखने का मतलब क्या है आपको पता है. इस तरह से दिया है, हम इनको कॉलम्स में लिखते हैं. फाइन, 8 8 7 6 5 4 2 ये नंबर है हमारे पास. प्लेस वैल्यू सेट कर लीजिए ताकि आपको व्हाट प्रॉब्लम्स ना हो. सॉरी, ये लाख है, फिर 10 लाख है. फाइन, और नीचे जो नंबर है वो ये वाला नंबर आएगा, यानी 4 5 6 7 8 5. आपने देखा यहाँ पे नंबर्स जो हैं हमने कैसे सेट किया. अब हम इनको माइनस करते हैं. ठीक, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 4 है. 2 की वैल्यू 4 से छोटी है तो हम 10s के प्लेस से एक नंबर बोरो करेंगे जो कि बनेगा 12. 12 में से हम 4 माइनस करेंगे, दैट इज़ 8. ओके, यहाँ से इसको एक दिया, पीछे बचा 3. 3 में से 5 नहीं हो सकता. हंड्रेड्स के पास जाएंगे, एक बोरो करेंगे नंबर जो कि बनेगा 13. 13 में से हम 5 निकालेंगे, 8. इसको दिया, पीछे बचा 4. 4 में से 6 नहीं हो सकता. हम जाएंगे थाउजेंड्स के प्लेस के पास, वहाँ से लाएंगे एक नंबर, वो बनेगा 14. 14 में से हम 6 निकालेंगे, वो भी 8 है. फाइन, इसको एक दिया, पीछे बचा 5. 5 में से 7 नहीं निकल सकता. फिर 10,000 के प्लेस पे जाएंगे, वहाँ से एक नंबर बोरो करेंगे जो कि बनेगा 15. 15 में से 7 निकालेंगे, दैट्स आल्सो 8. ओके, फिर यहाँ से इसको एक दिया, पीछे बचा 6. फिर जाएंगे लाख के पास, लाख से एक नंबर लाएंगे जो कि बनेगा 16. 16 से हम 8 माइनस करेंगे, फिर से 8. ओके, फिर दिया नंबर, हमारे पास 7 बचा. 7 में से हम 8 निकालेंगे, सॉरी 7 से हम 5 ईजीली माइनस हो सकता है क्योंकि 7 की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है. तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 2. फाइनली नंबर चेंज हुआ. ठीक, और जो ये नंबर है यानी 10 लाख के प्लेस पे जो नंबर है वो एज इट इज़ नीचे आएगा. तो आपका आंसर क्या आया, 82,88,888. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन. ओके, अब हम करते हैं एक और पार्ट जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आएगा. 9 7 3 2 0 4 0 हमारे पास नंबर है. 6 8 3 5 1 9 ये हमारा दूसरा नंबर है. फाइन, इसमें से इसको माइनस करना है. ओके, इसमें से ये नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है. हम सबसे पहले जब भी माइनस करते हैं बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, पर एडिशन में ऐसा नहीं होता. एडिशन में हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि हम नंबर चाहे ऊपर लिखे, नीचे लिखे, कहीं पर भी लिखे, वैल्यू उनकी बराबर आती है क्योंकि हम वो एडिशन कर रहे होते हैं. फाइन, सब्ट्रैक्शन में ये रूल है. अब हम इसको सेट कर लेते हैं, यानी कॉलम्स में लिख लेते हैं. 9 7 3 2 0 4 0 खोल के बड़ा बड़ा लिखिए ताकि आपको सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम ना हो. 1s 10s 100 1000 10,000 lakh and 10 lakh. ठीक है, इसको लिख लीजिए, 9 1 5 3 8 6. ओके,
अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे नाइन है, ज़ीरो से नाइन माइनस नहीं हो सकता। हम जाएंगे टेंस के पास, वहाँ से लाएंगे वन वन, और ये बन जाएगा टेन, टेन में से हम नाइन माइनस करेंगे, दैट्स वन। ओके, यहाँ से इसको दिया, पीछे बचा थ्री, थ्री में से वन ईजीली माइनस हो सकता है तो वो बना टू। ठीक है, हंड्रेड्स के प्लेस पे ज़ीरो है, यहाँ पे फाइव है, नंबर माइनस नहीं हो सकता। हम जाएंगे थाउजेंड्स के प्लेस के पास जो कि बनेगा हंड्रेड, सॉरी टेन, टेन में से हम फाइव माइनस करेंगे, दैट्स फाइव। इसको एक दिया, पीछे बचा वन, वन में से थ्री माइनस नहीं हो सकता। हम जाएंगे टेन थाउजेंड्स के प्लेस के पास, वहाँ से लाएंगे वन जो कि बनेगा इलेवन, इलेवन में से हम थ्री माइनस करेंगे, दैट्स एट। ओके, इसको एक दिया, पीछे बचा टू, टू में से एट नहीं हो सकता। जाएंगे लाख के पास, वहाँ से लाएंगे वन, वो बन जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से हम एट माइनस करेंगे, दैट्स फोर। ओके, इसको एक दिया, पीछे बचा सिक्स, सिक्स में से सिक्स इज ज़ीरो, नाइन एज इट इज़ नीचे आएगा, तो ये आपका आंसर था। ओके, नाइन्टी था, नाइन्टी लाख फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी वन। तो आपके जो ई पार्ट में आपके नाइन क्वेश्चंस हैं, आप उन सबको अटेम्प्ट करोगे, नोटबुक्स टाइम पे सबमिट करवा दो। ओके, सो हम कल अपना एफ पार्ट करके आपका जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, अगली क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।